आपको बता दें कि शाहीन बाग में गैर कानूनी तजावुजात के मामले के हवाले से बड़ा अपडेट है। शाहीन बाग से वापस चला गया है बुलडोजर। शाहीन बाग में करीब 3 घंटे से सरगर्मियां जारी थी। MCD और पुलिस फोर्स शाहीन बाग पहुंची जरूर, लेकिन बुलडोजर नहीं चल पाया, बुलडोजर वापस चला गया है। हालांकि अभी भी फिलहाल भारी तादाद में लोग यहां मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्ला शाहीन बाग में अपने हामियों के साथ मौजूद है। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि बुलडोजर वापस चला गया है, किसी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया शाहीन बाग इलाके में। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं। 3 घंटे से ज्यादा वक्त से भी बुलडोजर यहां मौजूद था, लेकिन कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई। आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्ला खान यहां अपने हामियों के साथ मौजूद। शाहीन बाग में बड़ी तादाद में पुलिस की फोर्स मौजूद है, लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि बुलडोजर को वापस भेज दिया गया। ठीक है, बुलडोजर वापस चला गया है। आप देख रहे हैं पुलिस के जवान यहां तैनात किए गए हैं, इजाफी सिक्योरिटी भी यहां लगाई गई है। आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्ला खान यहां अपने हामियों के साथ मौजूद है। आइए सुनते हैं आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली अमानतुल्ला ने क्या कहा।